आप में से कई लोग हॉलीवुड की मूवी को हिंदी में जरूर देखते होंगे। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके मनपसंद फिल्मों को हिंदी में डब कौन करता है? तो गाइज, आज मैं आप सभी को 5 ऐसे बड़ी स्टूडियो के बारे में बताऊंगा जिन्होंने आपके मनपसंद फिल्मों को हिंदी में डब किया है। तो गाइज, बने रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूँ बीकर, आप देख रहे हैं ट्रस्टिवल, नो ड्रामा ओनली काम की बात। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबा लें। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, पहले नंबर पे है आराधना स्टूडियो। स्टूडियो हॉलीवुड मूवी को हिंदी में डब करने वाली भारत की सबसे बड़ी स्टूडियो में से एक है। इसी स्टूडियो ने हॉलीवुड की मूवी को हिंदी में डब करने की शुरुआत की थी। जुरासिक पार्क भारत में हिंदी, तमिल और तेलुगु में डब की गई भारत की सबसे पहली हॉलीवुड मूवी है। इस स्टूडियो ने हॉलीवुड की कई सुपरहिट मूवी को हिंदी में डब किया है, जैसे जुरासिक पार्क, एवेंजर एंड गेम, ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट और फास्ट एंड फ्यूरियस जैसे सुपरहिट मूवी को हिंदी में डब किया है। और ऐसे कई सारे सुपरहिट मूवी है जिसे इस स्टूडियो ने हिंदी में डब किया है। यह स्टूडियो हॉलीवुड की बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर काम करती है, जैसे डिस्नी, पैरामाउंट, नेटफ्लिक्स, मार्वल जैसी बड़ी कंपनियों के नए पुराने फिल्मों को कई सारे भाषाएं जैसे तेलुगु, तमिल, हिंदी जैसे भाषाओं में डब करती है। गाइस, दूसरे नंबर पे है साउंड एंड विजन स्टूडियो। यह स्टूडियो भारत की दूसरी सबसे बड़ी स्टूडियो में से एक है। इस स्टूडियो ने हॉलीवुड के कई सारे सुपरहिट फिल्मों को हिंदी में डब किया है, जैसे टर्मिनेटर डार्क फेट, द लायन किंग, मोगली और अवेंजर के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जैसे कई सारे सुपरहिट फिल्मों को हिंदी में डब किया है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स और अमेजोन के कई सारे सुपरहिट सीरीज को इस स्टूडियो ने हिंदी में डब किया है। यह स्टूडियो हॉलीवुड के कई सारे बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर काम करती है, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजोन, PVR, सोनी, WBG और निकलोडियन और पैरामाउंट जैसे कई सारी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर काम करती है और इनके पुराने और नए फिल्मों को हिंदी में डब करती है। तो गाइज, हमारे तीसरे नंबर पे है मेनफ्रेम स्टूडियो। यह स्टूडियो भारत की तीसरी सबसे बड़ी स्टूडियो में से एक है। इस स्टूडियो ने हॉलीवुड के कई सारे सुपरहिट फिल्मों को तमिल, तेलुगु, हिंदी जैसे भाषाओं में डब किया है, जैसे फ्रोजन, मैड मैक्स, इंसेप्शन, जंगल बुक, हैरी पॉटर सीरीज जैसे फिल्मों को डब किया है। अगर इस स्टूडियो के पार्टनरशिप की बात करें तो इसके पार्टनरशिप डिस्नी, निकलोडियन, पैरामाउंट पिक्चर जैसे बड़ी कंपनियों के साथ है। इसके अलावा यह स्टूडियो सीरियल कार्टून को भी कई सारे इंडियन भाषाओं में भी डब करती है। चौथे नंबर पर है सुभाष स्टूडियो। यह स्टूडियो भारत की चौथी सबसे बड़ी स्टूडियो में से एक है और इस स्टूडियो ने हॉलीवुड के कई सारे सुपरहिट सीरीज और मूवीज को हिंदी में डब किया, जैसे अपोलो 30, मिस्टर रोबोट, फियर द वॉकिंग डेड एंड टेलर जैसे कई सारे सुपरहिट सीरीज को हिंदी में डब किया। इसके अलावा यह स्टूडियो डिस्कवरी पर आने वाले सुपरहिट शो जैसे मैन वर्सेस वाइल्ड, थ्रू द वर्म होल, गोल्ड रश जैसे सुपरहिट शो को भी हिंदी में डब किया है। अगर इस स्टूडियो के पार्टनरशिप की बात करें तो इसके पार्टनरशिप डिस्कवरी, नेटफ्लिक्स, अमेजोन के साथ हैं। तो गाइस, पांचवें नंबर पे है मयूकिंग सिंह। यह स्टूडियो भारत की पांचवें सबसे बड़ी स्टूडियो में से एक है। इस स्टूडियो ने हॉलीवुड की कई सारी फिल्मों जैसे टुमारो नेवर डाई, IP Man, ग्रिजली रेज जैसे फिल्मों को हिंदी में डब किया। इसके अलावा यह स्टूडियो हिस्ट्री 18 पे जितने भी हिंदी में शो आती है, यह स्टूडियो उन सभी शो को हिंदी में डब की है। यह स्टूडियो हिस्ट्री टीवी 18, कार्टून नेटवर्क, पोगो, BBC अर्थ, ग्राफिक इंडिया, निकलोडियन, ग्रीन गोल्ड एनिमेशन के साथ मिलकर काम करती है और इनमें आने वाली शोज को हिंदी में डब करती है। गाइस, अगर आप और भी डबिंग स्टूडियो के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबा लें। तो गाइस, चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।